जनसंख्या, नाइन्थ क्लास ये जनसंख्या चल रही है आपका, पाठ का नाम है जनसंख्या। और इसमें जो कल टॉपिक आपको छोड़ा था वो था आयु वर्ग। ये आयु वर्ग क्या है भैया, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये आयु वर्ग क्या है? आयु का मतलब होता है उम्र। आयु का मतलब क्या होता है? उम्र। तो देखो उम्र, उम्र में 14 वर्ष तक के बच्चे कितने हैं, 15 से लेकर के 40 वर्ष तक के कितने हैं, 40 से और 60 वर्ष, 40 से और 60 वर्ष तक के कितने हैं, 40 से 60 वर्ष तक के कितने हैं और 60 से ऊपर कितने हैं, ऐसा कुछ मामला है। ठीक है, तो समाज में बच्चे अधिक हैं या जवान अधिक हैं या बूढ़े अधिक हैं, या बूढ़े अधिक हैं, वृद्धजन कहते हैं जिसको। ये है आयु वर्ग का मतलब, आयु संरचना का मतलब। आयु संरचना का मतलब क्या है? समाज में कितने तो बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। भैया एक बात और सोचना पड़ेगा आपको। देखो जिस समाज में युवा वर्ग अधिक होगा, युवा वर्ग यानी जवान लोग अधिक होंगे, युवा अलग अधिक होंगे, वो समाज वो देश ज्यादा तरक्की करेगा। जिसमें बच्चे अधिक होंगे वो कम तरक्की कर रहा है, और जिसमें बूढ़े अधिक हैं वो और भी कम। क्योंकि कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो कार्यशील जनसंख्या है, वो भैया युवाओं की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? युवाओं की। एक हम छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं यहाँ। परिवार में 8 बच्चे हैं सर, और 2 जवान हैं, 3 बुढ़े आदमी हैं। बच्चे, युवा जिनको जवान कहते हैं, और वृद्ध, ये हैं सर। तो देखो सर, कुल आदमी कितने हो गए? 13 आदमी हो गए। कार्य करने वाले लोग कितने हैं? 2। 2 आदमी उनके लिए काम करेंगे पूरे परिवार के लिए, तो बताओ 13 आदमियों का गुजारा 2 आदमियों की कमाई से हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। समाज कैसा रहेगा? गरीब रहेगा। देश कैसा रहेगा? गरीब रहेगा। राज्य कैसा रहेगा? गरीब रहेगा। वो परिवार कैसा रहेगा? गरीब रहेगा। ठीक है सर, बच्चे हैं साहब 2 और युवा हैं साहब 6, वृद्ध हैं 3, तो बताओ युवा अधिक हैं, नौजवान अधिक हैं, बच्चे अधिक हैं, वृद्ध अधिक हैं? नौजवान। तो कार्यशील जनसंख्या है वो युवाओं की है, ठीक है, और युवा अधिक हैं समाज में, परिवार में, अर्थात जो काम करेंगे जो परिवार के लिए बहुत है या कम है? बहुत। जो परिवार के लिए आमदनी होगी पूरे परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीका से होगा कि नहीं होगा? जो ये युवा काम करेंगे तरक्की, इससे परिवार करेगा कि नहीं करेगा? पूरे गांव करेगा किसी तरीका से? नहीं करेगा। यदि युवा वर्ग की संख्या अधिक है किसी देश में तो वो देश ज्यादा तरक्की करेगा। समझने के लिए ये है आपके पास, ठीक है सर। किसी देश में जनसंख्या आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल आवश्यकताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को निर्धारित करती है। मैंने बता दिया आपको। जो देखो, किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। बच्चे, ये 15 वर्ष से कम आयु के हैं। वयस्क, 15 से और ये 59 वर्ष तक का है मामला। और वृद्ध, 59 वर्ष से अधिक। ये आपको जो एग्जाम्पल दिया था समझ में बैठ गया आपके में? आप देखो, इनके निश्चित आयु निर्धारित कर रखी है। बच्चे 15 वर्ष तक, 15 वर्ष तक आयु, कितनी आयु तक के? 15 वर्ष तक के, ठीक है सर। युवा
15 से 59 वर्ष तक के वृद्ध उनसठ से अधिक इनको वृद्ध मानते हैं। ठीक है सर, बच्चे ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा इनको भोजन वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। मैंने बताई थी बच्चे हैं भैया, ये कोई काम धंधा तो करते नहीं बेचारे, पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, अभी कुछ बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अपनी, जिससे आगे निकट भविष्य में जाकर के कुछ ना कुछ ये बनेंगे, कुछ कमा करके लाएंगे, कुछ उत्पादन करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। लेकिन फिलहाल में तो इनके लिए देखो भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, और इन सब के लिए खर्च करना पड़ेगा, पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो कि इनके पास नहीं है और ये किसी दूसरे पर निर्भर हैं। दूसरे नंबर पर है वयस्क, इनको युवा कहते हैं आप। देखो ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं, ये जनसंख्या की कार्यशील वर्ग है। देखो सर, ये युवा वर्ग है जो, ये युवा वर्ग है, वयस्क है जो, इन पे पूरा धारामदार होता है समाज, परिवार और देश का। ये अपने परिवार के लिए कमा करके लाते हैं, कमाते हैं, उत्पादनशील हैं और जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं, अर्थात ये परिवार को बढ़ाने का काम भी करते हैं। युवा हैं, युवा वर्ग है, हैं वयस्क हैं, समाज में जनसंख्या को बढ़ाते हैं, बीवी बच्चे होते हैं इनके, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ाते हैं, घटाते हैं, ये क्या करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर है। आखिरकार ये जो प्रजननशील जो शक्ति है जो केवल इन युवाओं पर ही होती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे पैदा करेंगे तो यही करेंगे, सब जनसंख्या अधिक रखनी है कम रखनी है ये उनके ऊपर निर्भर है। ये कमा करके लाते हैं, पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। ठीक है सर, ये कहते हैं उत्पादनशील। अगले नंबर का है 59 वर्ष जो वृद्ध हैं, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। देखो भैया, थोड़ा बहुत कोई काम करते हैं तो करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, क्योंकि अब तक इन्होंने काम किया था, अब काम इन्होंने करना बंद कर दिया है, अब छोड़ दिया है, अब इनकी क्षमता नहीं रही है कमाने की। ठीक है साहब, और इनमें जो पहले प्रजननशीलता थी ने वो भी समाप्त हो गई, अर्थात ये परिवार को बढ़ाने में, जनसंख्या बढ़ाने में भी इनकी कोई भूमिका नहीं है। वे स्वैच्छिक रूप से कार्य करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे और नहीं करेंगे तो नहीं भी करेंगे, क्योंकि ये कार्य करते 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 अब थक गए हैं, बुढ़े हो गए, और इनके बल की बात नहीं है कमाना ज्यादा। ठीक है, यदि किसी की बल की बात है तो अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के दौरान उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है साहब, अच्छा साहब, अब अगला जो टॉपिक है तुम्हारा, अगला जो मामला है वो है लिंग अनुपात। ये लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात भैया, ये प्रश्न पूछा गया था एक बार 9th क्लास में, ये लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात, लिंगानुपात, लिंगानुपात भैया, ये लिंगानुपात को देखेंगे क्या है। देखो लिंगानुपात, प्रति 1000, प्रति 1000, प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। देखो हमारे राजस्थान का जो, हमारे भारत देश का जो लिंगानुपात था, किसका, हमारे भारत देश का जो लिंगानुपात था वो था भैया 943,
भारत का 943, भारत में 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसको कहते हैं लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 943। ठीक है साहब। अच्छा साहब, अब 943 में देखो सर्वाधिक कौन से राज्य का था और सबसे कम किस राज्य का था? ठीक है साहब, समझ में बैठ रही है बात? नहीं बैठ रही तो देखो, हमारा ये केरल राज्य है, केरल, केरल राज्य है, केरल। सर्वाधिक था केरल का, सर्वाधिक किसका था? केरल का। और केरल का था भैया 1,084, अर्थात केरल में पुरुष कम है और महिलाएं अधिक। और सबसे कम था वो था भैया हरियाणा में, सबसे कम कहाँ था? हरियाणा में। और हरियाणा में कितना था? हरियाणा में था 877, 877। तो देखो हरियाणा में लड़कियों की संख्या या महिलाओं की संख्या 1,000 पुरुषों पर 877 है। देखो एक दिल्ली और है तुम्हारा, जो है ना भारत की राजधानी, दिल्ली का 866 ही है। दिल्ली में महिलाएं और कम हैं, लड़कियां बहुत कम हैं। तो आप सोच करके देखो जरा, देखो 1,000 पुरुष हैं तो 1,000 महिलाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना भाई, 1,000 पुरुषों पे 1,000 महिलाएं होंगी, यदि तो समाज का संतुलन ठीक रहेगा। यदि महिलाओं की संख्या अधिक है तो महिलाओं की संख्या अधिक होने के कारण महिलाओं की शादी नहीं होगी, महिलाएं कुंवारी रह जाएंगी, लड़कियां कुंवारी रह जाएंगी। और यदि पुरुषों की संख्या अधिक है तो भैया पुरुष कुंवारे रह जाएंगे, लड़का कुंवारे रह जाएंगे, लड़का शादी नहीं होगी, क्योंकि 1,000 से 1,000 की तो होगी। अब जैसे ये केरल है, केरल में साहब 1,000 पुरुष होंगे तो 84 लड़कियों की शादी फिर भी रह जाएगी साहब, अर्थात उन 84ों के लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा कहीं। भारत में 1,000 पुरुष हैं तो 943 है, यानी कि कितने? 57, 57, 1,000 पुरुषों पे 57 पुरुष ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं होगी, उनके लिए लड़कियां नहीं है। और हरियाणा में तो देखो 877 ही था, कितने हैं? 877। तो लगभग 123 हरियाणा में, तो हर 1,000 पुरुषों पे 123 के लगभग लड़के हैं, उनके लिए शादी के लिए लड़कियां नहीं है, अर्थात वो कुआरे रह जाएंगे सा। तो समाज के लिए थोड़ी सी ये विडंबना है। और इसमें ज्यादातर जो समस्या का कारण है वो लड़कियों की संख्या का कम होना है। ये लड़कियों की संख्या कम हो गई, इसका क्या कारण है? मैं आपको इसके लिए बताऊंगा। देखो हमारे समाज की कुछ गलत धारणाएं हो गई था। हमारे समाज की गलत धारणाएं कैसे हो गई? कुछ लोग तो ऐसा समझने लग गए कि ये समाज है जो पितृसत्तात्मक है। कैसा है? पितृसत्तात्मक का मतलब होता है पुरुषों को महत्व देना। पितृ का मतलब पिता को महत्व देना, तो पुरुषों को महत्व देना, समझने की कोशिश करेंगे। हर कोई समाज ये चाहने लग गया कि हमारे परिवार में लड़के हों, लड़का हमारे वंश को आगे बढ़ाते हैं, हमारी सेवा करते हैं, हमारा नाम रोशन करते हैं। लड़कियों के प्रति हमारी धारणा कुछ बदल गई, सोचने भी ये लग गए, हम तो अनपढ़ लोग थे ने, ये सोचने लग गए लड़कियां इनका ये तो पराए घर का कूड़ा है, पराए घर का मामला है, हम तो लालन पालन करते हैं और फिर शादीशुदा जब ये हो जाते हैं, इनकी शादी कर देते हैं पढ़ लिख करके,
तो फिर देखो ये दूसरे घर के लिए चली जाती है, हमारा तो वैसा ही खर्च खराबी वैसे ही जाती है, हमारा तो कोई लाभ ही नहीं है। ये हमारी गलत धारणा थी। तो हमने लड़कियों को तो जन्म देना ही कुछ बंद कर दिया, इसके कई और कारण हो गए। इससे पहले कुछ ऐसा बताते हैं, मुगल काल में लड़कियों को मुगल जबरदस्ती थे और हमारी लड़कियों को अपहरण करके ले जाते थे या फिर शादी के बंधन में जबरदस्ती बांध देते थे, क्योंकि वो सत्ता में थे तो हर कोई ना नहीं चाहता था कि कहीं कोई दूसरी जाति या बिरादरी का या किसी गैर धर्म का हमारी लड़कियों को जबरदस्ती इस तरीका से शादी के बंधन में बांधे या शादी करे उससे अपहरण करके। ये भी एक धारणा थी। बाकी इसके बाद जो पीछे की जो धारणा थी ये तो यही थी कि लड़कियां हैं ये बहुत खर्च बढ़ाने वाली हैं समाज में, ये बड़ा खर्चीला मामला है लड़कियों को रखना, लड़की पैदा करना है, इससे कोई लाभ नहीं है, पराया घर का कूड़ा है। हम जब लड़कियों की शादी करते हैं तो कई लाख रुपए उनकी शादी में खर्च हो जाते हैं, और हमने ये भी बंद कर दिया कि अब लड़कियां कम से कम पैदा करें। मामला ये भी हो गया कि देखो ये भ्रूण जांच होने लग गई। भ्रूण जांच एक मशीन आई थी, वो मशीन आई तो इसलिए थी कि भाई समाज में बच्चे आवश्यकता के अनुसार अर्थात कम ही पैदा हों, जन्म दर कम रहे, भाई दो ही बच्चे पैदा करें, दो ही बच्चे पैदा करें। लेकिन मामला उल्टा हो गया। और उल्टा क्या हो गया कि हमने भ्रूण जांच कराना शुरू कर दिया, गर्भ में ही बच्चे का लिंग परीक्षण होने लग गया। जैसे ही बच्चे माँ के गर्भ में होता था 2-3 महीने का ही, तो उसका लिंग परीक्षण कराने के लिए जाते थे और वहां उसको देखते थे कि इसके गर्भ में जो पल रहा है वो लड़की है लड़का। यदि लड़का है वो मशीन बताती थी ये लड़का है, तो हम बड़े खुश से होकर के आते थे, बड़े झूम करके आते थे। बड़े कैसे आते थे? झूम करके आते थे, और बड़े झूम करके आते थे, बड़े नाच गान करके आते थे हैं, और बड़ी पार्टी देते थे घर पर, कितना उत्सव मनाते थे। और यदि लड़की है गर्भ में तो उसको वहीं मरवा देते थे, वहीं सफाई करवा देते थे, गर्भपात करा देते थे उसका वहीं। तुम एक बात सोचो, जब लड़कियों को गर्भ में ही उसका इस तरीका से परीक्षण करा करके, लिंग परीक्षण करा करके वहीं मरवा देंगे, तो बताओ फिर लड़कियां पैदा कैसे होंगी, लड़कियां जन्म कैसे लेंगी? नहीं लेंगी ने, हर परिवार में 2-3 लड़के तो हो जाते हैं, लोग नसबंदी करा देते हैं, लड़कियां है घर में, लड़की है तो उसको मरवा दिया है, गर्भपात करा दिया, फिर दोबारा से गर्भ धारण कर लिया, गर्भ धारण करने के बाद औरत को फिर ले जाते हैं लिंग परीक्षण के लिए, यदि लड़का है पुरुष है तो रख लेंगे, लड़की है तो फिर नसबंद, फिर उसकी सफाई करवा देंगे। अर्थात कोई नहीं चाहता था लड़कियां हमारे समाज में जन्म लें। और जब यही दुर्दशा हो गई तो तुम सोच करके देखो, जब लड़कियां जन्म ही नहीं लेंगी तो बताओ फिर लड़कियां कहां से आएंगी, लड़कियों की संख्या कम होगी कि नहीं होगी? होगी ना। एक तो ये था कारण। देखो एक राजस्थान में अपने में पश्चिमी राजस्थान की तरफ पहले ये सुविधा नहीं थी, जो आज जो सुविधा है ना, कोई औरत बच्चे को जन्म देने वाली है उसके प्रसव का समय हो गया है। आज तो देखो हम 108 नंबर पे एम्बुलेंस को बुला लेते हैं, एम्बुलेंस आती है हमारे घर के पास आ जाती है, बैठा करके ले जाती है, हम और हॉस्पिटल जाते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं, वहाँ डिलीवरी होती है, जहाँ बच्चा भी और बच्चे की माँ भी स्वस्थ रहते हैं, 2-3 दिन बाद छुट्टी हो जाती है, पूरे इनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है वहाँ। है पहले सुविधाएं नहीं थी हमारे राजस्थान में, तो 2003 से पहले पहले 2003 में वसुंधरा राजे ने ये थोड़ा सा इस पर जरूर ध्यान दिया, लड़कियों की संख्या कम हो रही है इस पर, लेकिन उससे पहले तो कोई ध्यान नहीं था। और प्रसव के समय जब माँ किसी बच्चे को जन्म देने वाली होती थी तो गांव की औरतें आ जाती, दाई माई आ जाती थी इकट्ठी इकट्ठी होकर के, और गांव की महिलाएं और पुरुष भी उस दाई से पहले ही कह देते थे कान में कि यदि लड़का है तो जीवित रखना और लड़का नहीं है तो उसको मार देना। तो देखो जब प्रसव के समय उसकी माँ तो बिल्कुल बेहोश हो जाती है, जन्म होता है बच्चे का, और वो दाई क्या करती थी, या तो उस बच्ची यदि लड़की है तो उसको अफीम पिला देते थे, अफीम से बिल्कुल बेहोश जैसी हो जाती है, नशा हो जाता है, मर जाती थी। और यदि अफीम भी नहीं पिलाई तो ऐसे अपने अंगूठे से गले को दबा देती थी वहीं, और गले को दबाने से वो बच्ची फिर
थोड़ी सी देर में 10-15-20 मिनट में ही मर जाती थी, गले को दबाने के तुरंत बाद ही। और फिर जब तक उसकी माँ को होश आता, जब तक कहते थे कि ये जो बच्ची पैदा हुई है, जो लड़की पैदा हुई है, ये जन्म से पहले ही मर गई थी, जन्म लेने से पहले गर्भ में ही मर गई थी, मरी हुई है, हैं? तो बताओ दाई माई ने भी इतना अत्याचार करना शुरू कर दिया, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, समाज में लड़कियां कैसे फिर बढ़ेंगी। वसुंधरा राजे जब आई, वसुंधरा राजे ने इसको समझा और 2003 में उन्होंने ये सुविधा लागू की अपने राजस्थान में। अब तो देखो प्रसव के समय, उससे पहले ही हम बिना किसी कॉल दर के, कोई कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता है फोन करने के लिए, कॉल करने के लिए एक थोड़ी सूचना देनी पड़ती है, वो भी टोल फ्री नंबर है और हमारे घर के पास में ही बिल्कुल वो गाड़ी आ जाती है। हम और गर्भवती महिला को जिसका समय हो गया प्रसव का, उसको ले जाते हैं, उसमें बैठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका अच्छे तरीका से प्रसव होता है, बच्चा भी स्वस्थ रखा जाता है, चाहे लड़की है लड़का है, उसकी माँ का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। और जो गाड़ी ले जाती है उसका कोई किराया देना नहीं पड़ता है, बसर से जब लड़की या लड़के का जन्म होगा हॉस्पिटल में, तो उसकी माता के लिए उस डिलीवरी के, उस प्रसव के, सरकार की तरफ से कुछ राशि भी दी जाती है। तो ज़्यादातर समाज उस राशि को लेने के लिए, उस समाज में जो पहले सुविधाएं नहीं थी, ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ सकती है, ब्लड की भी जरूरत पड़ सकती है, ग्लूकोज की भी बोतल चढ़ सकती है किसी महिला के, ये सुविधाएं नहीं थी, ये सुविधाएं भी हॉस्पिटल में मिलती हैं। इन सुविधाओं को लेने के लिए, इसके साथ साथ ये जो सुविधा है लाने और ले जाने की, इस सुविधा से लेने के लिए, और गर्भवती महिला जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है उसके स्वास्थ्य के लिए सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि देती है, जिससे कि वो घी या कुछ और पौष्टिक भोजन उनसे खरीद करके ग्रहण कर सके, जिससे कि उसके बच्चे का और उसका खुद का भी स्वास्थ्य ठीक रहे। तो देखो जब ऐसी हमने नीति बनाई, ऐसा जब हमारे समाज को हमने जागरूक करना शुरू किया, तो धीरे 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 फिर लड़कियों की संख्या भी अब धीरे धीरे बढ़ने लग गई। ठीक है, एक बात और बताऊं मैं आपके लिए, लड़कियों की तरफ जब हमने देखा कि पढ़ाई की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे थे, इनकी तरफ पढ़ाते नहीं थे लड़कियों को, फिर सरकार ने इधर भी ध्यान दिया कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों के लिए 12वीं क्लास तक मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। इससे पहले लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा नहीं दी जाती थी, हैं? फीस भरनी पड़ती थी सरकारी स्कूलों में भी। तो देखो 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दी थी, लड़कियों के लिए किताबें फ्री देना शुरू कर दिया था। उसके साथ साथ यदि लड़कियां दूर दराज से आती हैं तो नवीं कक्षा में लड़की पढ़ती है, 10वीं में पढ़ती है, 11वीं में पढ़ती है, 12वीं में पढ़ती है। यदि वो 1-2 किलोमीटर दूर से आ रही है तो उसके लिए साइकिल की व्यवस्था करी था सरकार के द्वारा कि भाई साइकिल से आप अपने समय पे स्कूल आइए पढ़िए। तो बताओ जिनके पास आने जाने की समस्या थी उनके लिए साइकिल की व्यवस्था की। बहुत बहुत सारे तो छात्रावास खोल दिए गए दूर दराज के क्षेत्रों से, जहाँ लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं वहां उनके आसपास कोई स्कूल नहीं है, तो सरकार ने छात्रावासों की व्यवस्था कर दी है, हॉस्टलों की व्यवस्था की है, जहाँ रहना सहना खाना पीना सब कुछ सरकार की तरफ से रहेगा, केवल लड़कियों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो छात्रावास की सुविधा भी लड़कियों के लिए दी गई है मुफ्त में ही। उसके साथ साथ यदि लड़कियां अच्छे नंबरों से पास होती हैं, बढ़िया नंबरों से पास होती हैं, तो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, स्कूटी दी जाती है, स्कूटी होती है ना जो चलाने वाली, मोटरसाइकिल की जैसे होती है ना स्कूटी, स्कूटर जैसी, वो लड़कियों को दी जाती है यदि अच्छे नंबरों से पास करती हैं तो। लैपटॉप दिया जाता है, ये आता है ना तुम्हारा कंप्यूटर, है तो तुम बताओ, स्कूटी दी जा रही है, गार्गी पुरस्कार दिया जा रहा है, मैत्री पुरस्कार दिया जा रहा है, प्रदर्शनी पुरस्कार दिया जा रहा है, प्रियदर्शनी पुरस्कार। तो तुम बताओ इतनी सारी जब सुविधाएं लड़कियों के लिए फ्री में ही मिलेंगी, मुफ्त में ही मिलेंगी, अब तो समाज का छोटे से छोटा तबका भी, गरीब से गरीब तबका भी, गरीब से गरीब वर्ग भी लड़कियों को स्कूल भेजेगा कि नहीं भेजेगा? भेजेगा ना। जब स्कूल जब लड़कियां जाएंगी तो बताओ लड़कियां पढ़ेंगी कि नहीं पढ़ेंगी? पढ़ेंगी ना। जब लड़कियां पढ़ेंगी, अच्छे नंबरों से पास होंगी लड़कियां, मेहनत करेंगी, तो बताओ हमारी समाज की स्थिति सुधरेगी,
हमारे परिवार की स्थिति सुधरेगी, हमारे गांव की स्थिति सुधरेगी, हमारे राज्य की स्थिति सुधरेगी, हमारे देश की स्थिति सुधरेगी। और आजकल तो आपने ये देखा है कि लड़कियां सेना में भी भर्ती होने लग गई हैं। अब तो देश की रक्षा का जिम्मेदारी, देश की रक्षा की जिम्मेदारी भी लड़कियां लेने लग गई हैं। और लड़कियां देखो हवाई जहाज को भी चलाती हैं, पायलट हैं बहुत सारी लड़कियां। और आपको एक दिन मैंने बताई थी अंतरिक्ष की सैर करने के लिए जब कल्पना चावला का नाम लिया था, है और बताया तो था आपको उस दिन, तो देखो लड़कियां अंतरिक्ष तक भी पहुंच गई हैं। दुनिया भर के ऊंचे से ऊंचे डॉक्टर और नर्स लड़कियां हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर। एक लड़की के बारे में कल हम देख रहे थे अखबार में, देख रहे थे एक लड़की है बेचारी दिव्यांग है, वैसे 2.5-3 फुट की ऊंचाई है उसकी, और उसने हार नहीं मानी और वो कलेक्टर है सर, वो कलेक्टर की नौकरी कर रही है सर, कलेक्टर का पोस्टिंग हुआ है। कलेक्टर बनना बड़ा आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, हैं बहुत सारी तैयारी करने के बाद अच्छे नंबर उनसे पास हुई, अच्छी रैंक आई और आज कलेक्टर है वो। तो लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया, जो हमारे समाज की धारणा थी कि लड़के ही हमारा नाम रोशन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां भी करती हैं। आज केवल इतना ही।